हेलो फ्रेंड्स, एडवांस जावा सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू जेडीबीसी और ये इसका लेक्चर नंबर 1 है जिसको मैंने 6 पार्ट्स में बनाया हुआ है। ये इसका पार्ट 1 है। सो व्हाट इज जेडीबीसी? जेडीबीसी का मतलब होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। बेसिकली जावा में जितनी प्रीडिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस हैं उनमें से कुछ क्लासेस और कुछ इंटरफेसेस का कलेक्शन जेडीबीसी एपीआई कहलाते हैं। इसमें ये क्लासेस का मकसद जावा को डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कराना होता है, जैसा कि जेडीबीसी के फुल फॉर्म में अपने आप समझ में आ रहा है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, यानी जावा की डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पहले हमें डेटाबेस का मतलब ठीक से समझ में आना चाहिए। कई लोगों को इसका मतलब मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम है लेकिन एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तो मैंने पहले इस वीडियो में डेटाबेस क्या है उसको समझाया हुआ है, तो आप एक बार उसको अच्छे से समझिए ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बन सके जेडीबीसी का रोल क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो सकता है बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं डेटा क्या होता है। देखिए, डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। जैसे लाइब्रेरी में हम लाइब्रेरियन से पूछें कि कोई फला फला बुक है वो आपके लाइब्रेरी में है या नहीं, तो ये हमारी हमारा एक क्वेश्चन है और ये जो आंसर वो करेगा वो एक इन्फॉर्मेशन है, राइट। अब ये इन्फॉर्मेशन, ऐसे और भी कई सवाल हो सकते हैं, तो इन्फॉर्मेशन यानी डेटा उसके पास कहीं स्टोर होना चाहिए। मे बी वो अपने कुछ पेजेस में लिख के रख ले या रजिस्टर्स में लिख के रख ले, या फिर वो सॉफ्टवेयर यूज़ करे इसके लिए जिसमें कि ये सारा का सारा डेटा रखा हो। अब डेटा बहुत सारा है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। अच्छा, जब अपन डेटा की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे रॉ डेटा भी हो सकता है और प्रोसेस डेटा भी हो सकता है। प्रोसेस डेटा मतलब जो कुछ कैलकुलेशंस करके और कुछ टास्क परफॉर्म करके जनरेट हुआ है ना। जैसे मैं बोलूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ और ब्रेथ हो गया हमारा रॉ डेटा और उसके बाद कुछ जो उसका एरिया आया वो हो गया प्रोसेस डेटा, ठीक है। तो एप्लीकेशन डेटा रिफर्स टू द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच कम्स इन द स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। अब स्कोप ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे आप ATM तो यूज़ करते होंगे, तो ATM का जो सॉफ्टवेयर है उसे किस डेटा से मतलब है? उसे आपके अकाउंट नंबर से मतलब हो सकता है, आपके पिन नंबर से मतलब हो सकता है, आपके ट्रांजेक्शन डिटेल से मतलब हो सकता है, आपके बैलेंस से मतलब हो सकता है, राइट। लेकिन क्या उसे इस बात से भी मतलब है कि आज थिएटर में कौन सी मूवी लगी है, या देश के प्रधानमंत्री कौन है, या फिर आज का टेम्परेचर क्या है? मे बी नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सॉफ्टवेयर बना है उसका अपना एक स्कोप है, अपना एक दायरा है, और उस दायरे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, जिस जिसको उसे मैनेज करने की ज़रूरत है, बस उतने से उसको मतलब है, बाकी सारे से मतलब नहीं है। तो जब मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन का डेटा, तो इसका मतलब होता है वो जो सॉफ्टवेयर है उसको जिस जिस डेटा को मैनेज करना है उस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी डेटा से कोई मतलब नहीं। अब लाइब्रेरी के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया होगा उसमें शायद लाइब्रेरी की बुक्स की इंफॉर्मेशन रखी होगी, किसको कौन सी बुक इशू हुई है, कौन कौन मेम्बर है लाइब्रेरी का, इस तरह की इंफॉर्मेशन उसके अंदर रखी हुई। और भी दुनिया में ढेर सारी और भी डेटा है, वो सब उसमें नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि डेटा क्या है, और ये भी समझ में आ रहा है एप्लीकेशन का डेटा किसे बोला जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, डेटाबेस क्या होता है, अभी इसको समझते हैं। प्रोग्राम इज टू प्रोसेस डेटा। अच्छा, आपको एक बात तो 100% क्लियर होगी, हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने के पीछे असली मकसद क्या है? टू प्रोसेस डेटा। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, डेटा को प्रोसेस करना ही प्रोग्राम का मकसद है। मान लीजिए आप दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप दो नंबर को प्रोसेस करना चाहते हैं, इससे उसका सम निकल के आएगा, या आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, या आपको कुछ भी करना है, तो प्रोग्राम का असली मकसद किसी न किसी डेटा को प्रोसेस करना है। आपने कहा कि एक स्ट्रिंग है उसको चेक करके बताओ कि उसमें स्मॉल ए कितनी बार आ रहा है, तो वो जो स्ट्रिंग है वो डेटा है, और आपने बताया 5 बार आ रहा है। 5 बार आ रहा है मतलब क्या है? ये आपका रिजल्ट हो गया, ये भी एक डेटा है, तो ये प्रोसेस करने के बाद आपका रिजल्ट आया। तो प्रोग्राम का काम क्या है? डेटा को यूज करो, उसको प्रोसेस करो, उससे कुछ रिजल्ट निकालो, ये प्रोग्राम का काम। अब आपने ढेर सारे प्रोग्राम्स बनाए, लेकिन एक बात तो सोचिए कि वो डेटा इस प्रोग्राम के पास आया कहाँ से। यस, मान लीजिए
ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसका काम है सपोज करिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। तो भाई फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक नंबर चाहिए ना, वो नंबर तो कहीं से इसके पास आएगा, मे बी कीबोर्ड से आ जाए, हो सकता है, हाँ हो सकता है। अब कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट मीडियम, हाँ तो इनपुट मीडियम, तो कोई इनपुट मीडियम चाहिए जहाँ से कि डेटा जनरेट होगा और आपके प्रोग्राम के पास आएगा। अब वो कीबोर्ड से ही आए ये कोई ज़रूरी नहीं है, और भी कई तरह के इनपुट डिवाइस हो सकते हैं, जैसे कि माउस हो सकता है, ठीक है, जैसे कि स्कैनर हो सकता है ना, या हो सकता है कोई फाइल हो जिसके अंदर कुछ डेटा रखा हो, है ना, कोई इंफॉर्मेशन रखी हो, या हो सकता है वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा हो, या किसी प्रकार का सेंसर लगा हो, या बहुत सारे तरह के इनपुट मीडियम्स हो सकते हैं जिससे कि डेटा आपके इस प्रोग्राम को मिलेगा और फिर वो उसे प्रोसेस करेगा। तो हमारा प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो उसे इस बात से कोई खास मतलब नहीं होता है कि डेटा कहाँ से आ रहा है, इनपुट कहाँ से हुआ है, कहीं से भी हो इनपुट, उसे तो डेटा को प्रोसेस करने से मतलब है। अच्छा, प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, उसका जो रिजल्ट है उसको हम आउटपुट कर देते हैं, मे बी आउटपुट कर देते हैं मॉनिटर पे, ठीक है, मे बी हम उसको प्रिंटर पे भेज देते हैं, यानी प्रिंटर पे हम प्रिंट करवा लेते हैं, या फिर हो सकता है कि हम आउटपुट स्पीकर के द्वारा यानी वॉइस के रूप में आपको आउटपुट मिले, या आउटपुट के भी कई सारे मीडियम हो सकते हैं, आउटपुट डिवाइस भी तो कई सारे होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आपने अभी तक सबसे ज़्यादा इनपुट के रूप में कीबोर्ड को और आउटपुट के रूप में मॉनिटर डिवाइस को यूज़ किया हुआ, इसलिए हम इनसे ज़्यादा फैमिलियर हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इनपुट के और भी मीडियम्स हैं, आउटपुट के और भी मीडियम्स हैं, लेकिन इनपुट और आउटपुट के मीडियम्स चाहे कुछ भी हों, आपको एक बात समझ में आ रही है कि आपका जो प्रोग्राम है वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है, उसमें जो प्रोसेसिंग करनी है वो नहीं बदलने वाला। कई बार ऐसा होता है कि आउटपुट हम फाइल में भी पहुंचा देते हैं, हाँ फाइल बनती है ऐसे, ओके। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि प्रोग्राम इज टू प्रोसेस डेटा, तो फ्रॉम वेयर दिस डेटा कम्स फ्रॉम ये भी हमें समझ में आया, वेयर प्रोसेस डेटा हैज टू गो ये भी हमको समझ में आया। एप्लीकेशन इज डिजाइन टू सिमुलेट सम सिस्टम, हाँ सम सिस्टम मतलब कई सारे हो सकते हैं, जैसे यहाँ जब बात हो रही है सिस्टम की, तो यहाँ सिस्टम वो टारगेट चीज़ है जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक शॉपिंग मॉल के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें शॉपिंग मॉल से रिलेटेड सारी चीज़ों को मैनेज करना है, या हो सकता है हम एक ऑफिस के काम को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या एक स्कूल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, या कोई प्रोडक्शन हाउस है उसके लिए, या कोई भी सिस्टम हो सकता है जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। लाइब्रेरी का भी हमने एग्जांपल लिया था, तो लाइब्रेरी के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो कोई भी एक सिस्टम है जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो एप्लीकेशन इज डिजाइन टू सिमुलेट सम सिस्टम, उस सिस्टम में जो काम होते हैं उसी को सिमुलेट करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं। अब जैसे लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में आप एक पल के लिए सोचिए कि अगर कंप्यूटर सिस्टम नहीं हो तो किस तरीके से काम होता है, ठीक है। पहले कई जगह तो ऐसा ही होता भी है अभी भी, और कई जगह पर अब कंप्यूटर्स यूज होने लगे हैं, सॉफ्टवेयर यूज होने लगे हैं, अदरवाइज पहले कैसे होता था, पहले वो रजिस्टर्स मेंटेन करते थे और रजिस्टर में लिखते थे कौन सी बुक किसको इशू करी, हर एक बुक का ब्यौरा वो अपने रजिस्टर्स में रखते थे कि कितनी बुक लाइब्रेरी में है, तो इसमें मैनुअली बहुत टाइम लग जाता था किसी इंफॉर्मेशन को सर्च करने में, मेंटेन करने में, तो ये बहुत कॉस्टली अफेयर होता था और बहुत स्लो होता था। इसीलिए जो सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट है ना, इसने काम को बड़ा आसान बना दिया। डेटा एक तो बहुत इजीली बहुत कम जगह में प्रिजर्व हो जाता है, आपको बहुत सारे जगह कंज्यूम नहीं करानी पड़ती, बहुत सारे रजिस्टर्स नहीं बनाने पड़ते, और ईजिली वो सर्च हो जाता है, ईजिली वो एक्सेस हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। तो एप्लीकेशन हम बनाते हैं ताकि हम किसी सिस्टम में किसी सिस्टम को सिमुलेट कर सकें, ठीक है ना, ओके। तो सिस्टम रिक्वायर्स टू प्रिजर्व डेटा, अच्छा आप ये तो मानते हैं हर एक सिस्टम से जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जिसको उसे प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत होती है ना। जैसे आप किसी ऑफिस में बात करें तो उसमें एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उसके अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है,
या हो सकता है एक बुकिंग की साइट है, चाहे वो बस बुकिंग हो, रेलवे बुकिंग हो, मूवी की टिकट की बुकिंग हो, वहाँ बुकिंग की हिस्ट्री को भी स्टोर करके रखा जाता है। तो हो सकता है ट्रांजैक्शन डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स, तो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो फाइनेंशियल ईयर में जितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके डिटेल रखते हैं, बैंक रखती है इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी सिस्टम की आप कल्पना कर लीजिए, उसमें बहुत सारा डेटा है और प्रिजर्व करके रखना होता है। तो क्यों प्रिजर्व करके रखना होता है? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बार बार एक्सेस होती रहती है। आप इस बात को थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, मैं एक डायग्राम से भी आपको इस बात को समझाता हूँ। मान लीजिए ये जो रेक्टेंगल बीच में दिख रहा है, ये एक हमारी एप्लीकेशन है जो किसी सिस्टम को सिमुलेट कर रही है। अब ये लाइब्रेरी को, इसको लाइब्रेरी मान लीजिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है ये। तो अब इसमें कई बार क्या होता है, नई बुक्स जब लाइब्रेरी में आती होगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन फीड की जाती होगी, तो मे बी कीबोर्ड से डेटा एंटर किया जाता होगा। तो इस एप्लीकेशन के पास डेटा कहाँ से आया? मे बी कीबोर्ड से आया, मे बी इनपुट डिवाइस कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वॉइस इनपुट के थ्रू आ रहा हो, या स्कैन करके आ रहा हो, बारकोड रीड करके आ रहा हो, या सेंसर के थ्रू आ रहा हो, वो कुछ भी हो सकता है। पर इस एप्लीकेशन के पास डेटा वेरियस सोर्सेस से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ओकेजनली क्या होता है, डेटा मॉनिटर पे भी प्रिंट होता है, जैसे कि कुछ हम रिजल्ट देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट से इस पर्टिकुलर डेट तक कितनी बुक्स इशू हुई हैं, तो उसकी लिस्ट दिखाओ, तो मॉनिटर पे कुछ डेटा प्रिंट होता है। या कई बार हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं किसी इंफॉर्मेशन का, तो वो प्रिंटर पे आउटपुट जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन है, इसमें कहीं से इनपुट होता है, एक से ज़्यादा मीडियम से इनपुट हो पाता है, और कहीं डेटा जाता है। तो डेटा इसमें आएगा, डेटा इससे जाएगा, ये तो चलता रहता है। लेकिन इस एप्लीकेशन का काम सिर्फ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना ही नहीं है, बल्कि डेटा को प्रिजर्व करके रखना भी है। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे बुक्स की डिटेल, कोई एक नई बुक लाइब्रेरी में अभी अभी आई है, तो कीबोर्ड से लाइब्रेरियन डेटा एंटर करेगा, जिससे कि उस सॉफ्टवेयर के पास उस नई बुक की सारी जानकारियाँ पहुँच जाएंगी। अब इस जानकारी को हमें प्रिजर्व करके रखना है, ताकि कभी भी इस बुक के बारे में सर्च किया जाए तो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन जो आई है, ये अभी तो वेरिएबल्स में गई होगी ना। आप लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो कीबोर्ड से जो डेटा एंटर हुआ वो किस में गया होगा, वेरिएबल्स में गया होगा, राइट। पर आप जानते हैं जब प्रोग्राम एंड हो जाता है तो वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यस, तो वेरिएबल की अपनी एक लाइफ है, और उसमें अगर डेटा रहेगा तो वो बस प्रोसेस होने के काम का है, उसके बाद वो डेटा वैनिश आउट हो जाता है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो बुक की इन्फॉर्मेशन आई है ना, इसको परमानेंटली स्टोर कर दें। तो परमानेंटली स्टोर करने के लिए इसको मैं आउटपुट कर दूंगा कहाँ, एक फाइल। अब आउटपुट तो मॉनिटर पे भी कर सकता हूँ, पर मॉनिटर पे अगर करूँगा तो वो यूज़र को दिखेगा, और यूज़र जब स्क्रीन चेंज करेगा या प्रोग्राम एंड करेगा या जो भी करेगा, वो स्क्रीन पे से हट जाएगा, तो वो तो टेम्परेरी काम हो गया, है ना। तो उसका अपना अलग पर्पस है, लेकिन परमानेंटली हम डेटा को अगर प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो फिर हम उसको फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हार्ड डिस्क में या कोई सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम में ये डेटा कहाँ चल जाए, फाइल के अंदर चल जाए। तो कोई एक फाइल होगी, फाइल हम बना लेंगे कंप्यूटर में, और ये डेटा हम चाहेंगे कि उस फाइल के अंदर स्टोर हो जाए। ऐसी बुक का डेटा है, लाइब्रेरी के जो मेंबर्स हैं उनका डेटा है, कई सारी इन्फॉर्मेशन, बुक किसको इशू हुई है इसकी इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही फाइल में तो नहीं रखोगे आप, थोड़ा ऑर्गेनाइज करके ताकि ढूंढना एक्सेस करना आसान रहे, तो आप कई सारी फाइल्स बना लेते हो। तो आपने अपने हार्ड डिस्क में कई सारी फाइल्स बनाई हुई हैं, और इस एप्लीकेशन से जुड़ा कई सारा डेटा है जो आप इन फाइल्स में रखते हो, अलग अलग फाइल्स में रखते हो, ठीक है। और कई बार हम एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं और हम देखना चाहते हैं कि भाई लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स हैं, या ये पर्टिकुलर बुक है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोग्राम यहाँ बनाया हुआ है उसके चलने के कारण फाइल में जो कि इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, बुक्स की इन्फॉर्मेशन कहाँ रखी है, फाइल में रखी हुई है, तो उसमें से डेटा को सर्च करके हम लोग प्रोग्राम के वेरिएबल्स में लाते हैं। तो ये जो इनपुट हो रहा है ना, ये इनपुट हो सकता है इस फाइल से भी आए। यानी फाइल क्या है, एक गोदाम की तरह सोचिए, ये पूरे फाइल्स जो हैं ये
स्टोरेज है जहाँ पर डेटा रखा हुआ है, और आपके एप्लीकेशन को जब भी ज़रूरत होती है वो डेटा को इसमें से निकालता है, यूज़ करता है, और जब भी लगता है, जो भी डेटा लगता है वो इस गोदाम में रखता जाता है। इसका मतलब एप्लीकेशन का काम तो सिर्फ प्रोसेसिंग करना है, लेकिन डेटा को सहेज के रखना वो काम कहाँ है, यहाँ इन फाइल्स के अंदर हो रहा है। तो ये जो तमाम फाइल्स हैं, ये भले कितनी भी फाइल्स हों, ये सब मिलकर ही तो एप्लीकेशन के डेटा को रख रहे हैं। हमने अभी बात करी थी एप्लीकेशन का डेटा क्या है, हमने कहा था एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा, दुनिया भर का डेटा नहीं, जिस जिस डेटा को मैनेज करना है इस एप्लीकेशन का काम है, वो सारा डेटा हमने कहाँ रखा, इस सेट ऑफ फाइल्स में रख दिया। तो ये जो सेट ऑफ फाइल्स है ये क्या कहलाएगी, डेटाबेस। डेटाबेस वह जगह है जहाँ पर हम एप्लीकेशन से रिलेटेड तमाम डेटा रखते हैं। तो इस तरीके से ये है डेटाबेस। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आ जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.mysurgy.com को विजिट करना ना भूलें, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे एक से अधिक चैनल्स हैं और सभी चैनल्स शायद आपने ना देखे हो, तो सारे चैनल्स पे रखे वीडियोस की लिस्ट आपको इस साइट पे मिलती है, जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है। कई सारे कोर्सेज हैं और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी है, बहुत कुछ मटेरियल है, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी मटेरियल है इसमें, और डेली इसमें एक नया वीडियो पब्लिश होता है। तो आप डेफिनेटली, आपको ये पसंद आएगी, और यदि आपको बहुत अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में, या लोगों को मौखिक रूप से बता के। थैंक यू।